अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे, जैसे कि हम हर रमज़ान में अल्लाह के फ़ज़ल से जो है वो गरीब और मुस्तक जो लोग हैं जो अपने बच्चों को ईद पे कपड़े नहीं लेकर दे सकते, तो हम उनको जो है ना ईद की खुशियों में शामिल करते हैं और उनको ईद पे बच्चों के बच्चों को कपड़े लेकर देते हैं। तो ये जो चैरिटी का काम है इसमें हमें बहुत सारे लोग सपोर्ट भी करते हैं और इसको अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन कुछ तबका ऐसा है जो इसको क्रिटिसाइज़ करता है। वो ये समझता है कि जो चैरिटी है वो माशरे को जो है ना वो मफलूज कर देती है। तो कुछ हद तक उनकी बात ठीक भी है, क्योंकि हम जो है ना आर्जी तौर पे तो उस बंदे को खुशी मिल जाती है वो थोड़े से पैसों से या थोड़े से राशन से, लेकिन ये कि वो जो है ना आधी भी कह सकते हैं वो आधी हो जाता है या दूसरा भी, यानी माशरे को उसका कोई ऐसा सच कोई फ़ायदा नहीं होता। तो उसके लिए यानी हमें कुछ सजेशंस भी थी, दोस्तों से हमने डिस्कस भी किया, तो हम क्या ऐसा करें जो है जो जो लोग जिसमें लोगों की मदद भी हो सके। और इसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट जो है हम स्टार्ट करने लगे हैं, नया प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह, उसकी मैं इस वीडियो के बाद वो शेयर भी करूँगा, ठीक है। तो वो ये है कि हम जो है ना वो कुछ जो लोगों को जो बेरोज़गार लोग हैं और हुनरमंद लोग हैं मेहनती लोग हैं उनको छोटे छोटे कारोबार करवा के दें, ठीक है। और वो जो भी वो क्राइटेरिया होगा, फॉर एग्जांपल कोई आदमी जो है वो फ्रूट की या सब्जी की रेडी लगाना चाहता है या कोई भी उसका हुनर है, वो साइकिल ठीक कर सकता है, बाइक ठीक कर सकता है, तंदूर लगा सकता है, कोई भी यानी छोटा मोटा काम जो कर सकता है, तो उसको हम 25-30 हज़ार 20 हज़ार 50 हज़ार के राउंड अबाउट उसको हम जो है वो उसकी सपोर्ट करें, ठीक है। और वो जो है ना ताकि वो जो है 25-30 हज़ार 50 हज़ार है वो सर्कुलेट हो और बहुत सारे लोगों की उसकी उससे ज़रूरत पूरी हो सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल वो जाता है मार्केट में जाता है जो चीज़ें खरीदता है, यानी वो जो मनी सर्कुलेट भी हो और वो खुद भी अपने जो अपने पाँव पे खड़ा हो और अपने ख़ानदान को भी उसका खुद को फील कर सके। तो इसके लिए ये क्राइटेरिया क्या होगा उसको पैसे देने का, उसको कारोबार करवाने का, क्या वो लोन होगा, क्या वो उस पर सूद होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ना वो लोन होगा ना उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट होगा ना कोई हमारी रिकवरी टीम होगी। उसका क्राइटेरिया क्या होगा वो मैं काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इस वजह से मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि हम किस तरह लेकर चलेंगे उसको आदमी को, ठीक है। तो ये हमारा एक माइंड है, इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट करेंगे, बल्कि कर दिया गया है, एक दो जो है केसेस हैं वो मैं आपको इस वीडियो के बाद शेयर भी करूँगा ताकि आपको आइडिया हो कि हमारा क्या जो है ना वो माइंडसेट है, किस तरह लेकर चल रहे हैं। तो इसमें ये है कि हम महदूद वसाइल के साथ इसको शुरू कर रहे हैं, तो साथ साथ मकसद ये है कि थोड़ा ट्रेंड सेट हो कि लोग जो है ना वो कारोबार की तरफ आएँ, लोग जो है ना लोगों को ना कि जैसे कि रमज़ान स्टार्ट है तो लोगों को 5-5 हज़ार लोगों को या 3-3 हज़ार लोगों को इफ्तारी करवाना मतलब या राशन देना, मतलब इसको मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा चैरिटी को, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला के रस्ते में आप किसी को पानी का गिलास भी देते हैं, खजूर का दाना भी देते हैं, तो उसका भी एक अजर है, लेकिन ये है कि अपना अगर हम कुछ इस तरह करें कि लोग जो है ना वो अपने पाँव पर भी खड़े हो जाएं, तो मेरे ख्याल ये एक सदका जारी है वो, ताकि और इसका हमें भी फ़ायदा है और जो है ना वो माशरे को भी फ़ायदा होगा। तो अगली वीडियो पर मैं शेयर करता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।